2023 के अंतर्गत सबसे पहले एक मेजर चेंजेस होगा कि शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे थे, वहीं शनिदेव 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अभी तक आपके जीवन के अंतर्गत सप्तमेश खुद अपने से 12वें षष्ठम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि लंबे समय से आपके जीवन के अंतर्गत कहीं ना कहीं रोग रिपुरिन आ रहे थे और उनको आप कहीं ना कहीं उनका उन पर विशेष कर्म आपके हो रहे थे, सिस्टम से संबंधित कर्म ये आपके काफ़ी अधिक चल रहे थे। साथ ही वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं दूरियां आपकी बढ़ रही थी, इस तरीके का प्रभाव ज़्यादा चल रहा था। हो सकता था कि पॉजिटिव तरीके से अगर आपकी जन्म कुंडली पॉजिटिव था तो पॉजिटिव तरीके से कहीं ना कहीं आपकी आपस में दूरियाँ बन रही थी, और हो सकता है कि अगर नेगेटिव तरीके हों तो कहीं ना कहीं आप एक सेपरेशन की स्थिति में, फिजिकल सेपरेशन की स्थिति के अंतर्गत आप चल रहे थे, तो ये प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अब यहां पर सप्तमी सप्तम भाव में तो यह बात तो है कि वैवाहिक जीवन को में काफी हद तक सुधार आने वाला है, ये स्थिति की ओर भी यहां पर इशारा जाता है। साथ ही सप्तमी सप्तम भाव में यह शश राजयोग का निर्माण करेगा, जो कि सप्तम भाव व्यापार के भाव के अंतर्गत है। व्यापार के लिए विशेष कर्मों में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि शनि का प्रभाव धीरे धीरे आता है, तो ये शनिदेव यहाँ 2.5 साल के लिए रहेंगे, तो ये प्रभाव धीरे धीरे तो बढ़ेगा, साथ ही आपके पार्टनर, पार्टनरशिप, व्यापार इत्यादि कर्मों में विशेष तौर पे वृद्धि और मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देगी, इस तरीके का प्रभाव आप यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए शनिदेव यहाँ पर विवाह की स्थिति बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका विवाह हो जाएगा, इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। शश राजयोग के कारण आपको पद प्राप्ति, सप्तम भाव में पद भी है और सप्तम दशम से दशम में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत शश राजयोग का जब निर्माण करेंगे, तो ये समय आपके लिए अभी जो 17 जनवरी 2023 के बाद ये जो साल का समय ये ईयर रहेगा, वर्ष रहेगा 2023 का, ये कहीं ना कहीं पद प्राप्ति कराने वाला भी आपके जीवन के अंतर्गत रहेगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी। अब वहीं पर देखिए शनि का प्रभाव, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, तो नवम भाव पर भाग्य के भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना, ये यहाँ पर जब तक राहु का प्रभाव रहेगा तब तक तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन जब राहु चले जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब गुरु का प्रभाव आ जाएगा तब वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले रहेंगे। इससे पहले गुरु अप्रैल में ही आ जाएंगे 22 अप्रैल 2023 से, तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक प्रभाव ठीक हो जाएगा। वहाँ पर कहीं ना कहीं पिता को लेकर, गुरु को लेकर इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही शनि का प्रभाव के कारण देखिए उदासीनता तो फिर भी रहेगी आपके जीवन के अंतर्गत, बेशक आपके वैवाहिक जीवन सही हो जाए या आपका व्यापारिक स्थिति ठीक हो, लेकिन उसके साथ भी शनि का प्रभाव रहता है थोड़े, तो धीरे धीरे बहुत हार्डवर्क आपका उस भाव से संबंधित, मतलब के व्यापार, आपके मैरिड लाइफ या मैरिज से रिलेटेड वहाँ पे बढ़ जाता है, वो भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी, तो इस वर्ष 17 जनवरी 2023 का आप महसूस करेंगे कि आपका हार्डवर्क, आपका कठिन परिश्रम आपका इतना अधिक हो रहा है, आप इतना अधिक कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि आप अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी आप देखोगे। और मैच्योरिटी का लेवल तो काफ़ी हाई हो जाएगा आपका, क्योंकि शनि का प्रभाव ही कुछ इस प्रकार का होता है, तो ये स्थिति आप देखोगे। साथ ही थोड़ा शारीरिक रूप से आप थोड़े अपने आप को पतला महसूस कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत, तो ये भी स्थिति यहाँ पर शनिदेव बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, तो विशेष कर्म चतुर्थ भाव को लेकर हो रहे हैं, तो जब शनिदेव की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आएगी तो माता को लेकर एक विशेष कर्म आपके जीवन के अंतर्गत होंगे। भूमि, भवन, वाहन, सुखों से संबंधित ये कर्म भी होते हुए नजर आएंगे, मतलब इनका लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही शनिदेव की दृष्टि जब चतुर्थ भाव मातृभूमि पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन या मातृभूमि से दूर जाने के योग भी यहाँ पर बनते हैं, स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। हो सकता है आप कहीं दूर भी हो तो वहाँ पर भी स्थान परिवर्तन होने की संभावनाएं, प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रभाव और देखेंगे कि शनि गुरु का प्रभाव जान लेते हैं। गुरु स्वराशि हैं, कि अभी हम 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में यहाँ पर गुरुदेव मीन राशि के अंतर्गत स्वराशि होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु इस आपके चार्ट में सिंह लगन वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी भी है और अष्टम भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में स्वराशि गोचर कर रहे हैं 22 अप्रैल 2023 तक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हो सकता है कि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति
यहाँ पर होने की प्रबल संभावना रहेगी। पैतृक संपत्ति के योग प्रबल बनते हैं 22 अप्रैल 2023 तक, वो मिलने की संभावना आपके विशेष रहेगी। साथ ही गुरु का अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर जो कि पंचमेश बनकर है, आपको शिक्षा अष्टम से संबंधित मिलती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति रिसर्च फील्ड के अंतर्गत हो, वहाँ पर उसे अच्छी सफलता मिल जाएगी, या फिर कोई कोई डीप स्टडी कर रहा हो, कोई बहुत गहराई में उतर कर किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, उसको अच्छे लाभ मिलेंगे। और गुरु जैसे धर्म के ग्रह हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप ज्योतिष विद्या वगैरह का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कोई गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो ये समय आपके लिए विशेषकर लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही क्योंकि पंचमेश बनकर ये अष्टम में गया है, मतलब स्वराशि तो है, मतलब आपकी संतान या आपके प्रेम संबंध ही आपके लिए कहीं ना कहीं, वो खुद तो खुश रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको कष्ट उत्पन्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा क्योंकि गुरु हैं तो एक शुभ ग्रह है, तो बहुत अधिक नेगेटिव स्थिति इसमें नहीं कही जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर गुरु का प्रभाव के कारण आपके ससुराल पक्ष के साथ वहां से लाभ की प्राप्ति, ससुराल पक्ष से संबंधित कर्मों की स्थिति वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है 22 अप्रैल 2023 तक, यहाँ से लाभ वगैरह आपको प्राप्त हो जाए वो भी स्थिति। और साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के लाइफ पार्टनर का जो धन है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई, उसके संचित धन में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी सेविंग में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 22 अप्रैल तक 12वें घर पर रहेगी, तो विदेश से लाभ होने की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई देती है। विदेश से संबंधित कुछ रुके हुए कार्य हैं तो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में होने की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई देती है। धार्मिक कार्य पर खर्चा होगा ऐसा यहां पर कह सकते हैं। और यहां पर देखिए एक और स्थिति है कि यहां पर आपके बेडरूम है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी शांति का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा भी यहां पर कह सकते हैं। और नींद भी 17 जनवरी के बाद से 22 अप्रैल तक ये समय रहेगा कि आप अगर आप सोते भी हैं तो वहां पर चैन की नींद सो पाएंगे, मतलब यहां पर शांति आपको मिलती हुई नजर आएगी। वहीं पर गुरु का, क्योंकि गुरु स्वराशि अष्टम है तो ये समय मंत्र साधना सिद्धि इन सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अष्टम स्थान समाधि स्थान है, वहां पर स्वराशि गुरु वो भी पंचमेश बनकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंत्र का सुख आप प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हो सकता है आपके गुरु की दशा चल रही हो और कुंडली के अंतर्गत गुरु भी आपका स्वराशि बनकर 8वें में बैठा हो तो इस समय कहीं ना कहीं आप अपने मंत्र का, क्योंकि पंचम में मंत्र है और पंचम से चौथा भाव फोर्थ हाउस आपका हैप्पीनेस खुशी का होता है, कहीं ना कहीं आप इसकी इस भाव से संबंधित जो खुशी आप लेते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी अकल्ट से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर समाधि स्थान है तो कहीं ना कहीं मंत्र में आप इतना डूब चुके हो कि आपको अब नहीं पता लग रहा है कि हम कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, क्या है, इस तरीके की स्थिति वो मंत्र का आप सुख अच्छे से ले पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और खासकर जब शनि का प्रभाव यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अभी 17 जनवरी शनि की विदृष्टि थी, आप शनि सप्तम भाव में आ जाएंगे तो इस समय आपके लिए काफी बेहतर, इन सब के लिए काफी अच्छा चल रहा है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी धन भाव पर तो धन संचय भी कराने वाले, धन की वृद्धि कराने वाले, आपको धन दिलाने वाले भी रहेंगे 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक, तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय रहेगा। पारिवारिक रूप से सहयोग की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आ रही है परिवार का, ये तो क्योंकि गुरु स्वराशि है 12 अप्रैल 2022 से लेकर चल ही रहे हैं स्वराशि 22 अप्रैल 2023 तक, तो मतलब पिछले साल से लेकर ये 22 अप्रैल 2023 तक का समय ऐसा है कि यहाँ पर धन संचय भी होगा, धन की प्राप्ति भी होगी, मतलब कहीं ना कहीं से नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपको बनते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको परिवार का सुख आपको मिलता हुआ नजर आएगा, परिवार का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर सात्विक भोजन करने के अच्छे योग, मतलब भोजन भी आपको अच्छा खासा, मतलब जो अच्छा भोजन मिलना और उसमें भी सात्विक और अच्छा भोजन उस तरीके का मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, ये भी एक साल से चल रहा है, भाग्य की दृष्टि शनिदेव की गुरु की चतुर्थ भाव पर है, वहीं शनि का भी प्रभाव चतुर्थ भाव पर है। जब दो ग्रह शनि और गुरु का प्रभाव एक भाव पर आ जाए तो गारंटेड रहता है कि उस भाव से संबंधित घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं। तो आप पाएंगे कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बाद अच्छी अथवा बुरी घटनाएं आपके अपनी माता को लेकर, आपकी भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर, इन सब को लेकर ज्यादा घटित होती हुई नजर आएगी। या फिर तो भाव में हृदय स्थान है, छाती वाला भाग है, तो इस भाग से संबंधित भी प्रबल घटना यहां पर घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही है, इस स्थिति की ओर यहां पर इशारा जाता है। खासकर यहां पर स्थान परिवर्तन भी कह सकते हैं और भूमि भवन वाहन सुख भी, और माता को लेकर कोई विशेष जिम्मेदारी या फिर विशेष कर्म माता से संबंधित ये भी बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है।
अब देखिए 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, क्योंकि शनि और राहु दो ग्रह, इनका प्रभाव, शनि और राहु का प्रभाव दो भावों पर पूर्ण रूप से पाप प्रभाव आ रहा है। नवम भाव पर पाप प्रभाव, क्योंकि गुरु तो बाद में आएंगे 22 अप्रैल के बाद। तो 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव पे पूर्ण पाप प्रभाव है, आपके लगन पर पाप प्रभाव है। इसका मतलब ये रहेगा कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच में भाग्य भाव पर पाप प्रभाव होने से आपके पिता को प्रबल कष्ट आने वाला है। पिता को लेकर संघर्ष, पिता के कारण कष्ट, या पिता को लेकर हो सकता है कि उनकी हेल्थ वगैरह, उनकी स्वास्थ्य हानि हो, उस तरीके से संबंधित कष्ट हो सकता है, या पिता के साथ संबंधों में परेशानी, या एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति पिता को लेकर बन सकती है, गुरु को लेकर बन सकती है। यही सब बातें गुरु के लिए भी हो सकती हैं, पिता के लिए लेकर भी हो सकती है। साथ ही आपकी हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं, उच्च शिक्षा का आप कर रहे हैं, तो इस समय के बीच में उसमें कठिनाई आने की संभावनाएं सिंह लगन वालों के लिए यहां पर बन सकती है। तो यह भी स्थिति यहां पर 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में, क्योंकि नवम भाव पर केवल पाप प्रभाव है और भाग्य के मामले में रोड़े अटकते इस समय के अंतर्गत नजर आ रहे हैं। वहीं यहां पर शनि की दृष्टि लगन पर और राहु की दृष्टि भी लगन पर, लगन पर भी पूर्ण पाप प्रभाव रहेगा शनि और राहु का। तो ये समय लगन पर जब आता है तो बंधन बनता है। ये समय थोड़ा यही समय रहेगा 17 जनवरी से 22 अप्रैल, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो वहां पर जब ये बनेगा तो कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से थकावट, आपका शरीर में थोड़ा पतलापन महसूस होना, अपने मतलब थोड़ा मोटे हेल्दी थे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा पतले होते हुए नजर आएंगे इस समय के अंतर्गत, या बालों का झड़ना, इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है, सरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है, थोड़ा सा अपने आप को बंधन में महसूस करना, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। इसके बाद देखो यहाँ पर 22 अप्रैल के बाद गुरु मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, पंचमेश और अष्टमेश का नवम भाव के अंतर्गत गोचर। वैसे तो यहाँ पर ये रहेगा आपको आपके संतान से भाग्य आएगा, आपको आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता वगैरह ये सब आएगी, लेकिन वहाँ पर जब तक ये राहु के साथ रहेंगे तो उनकी संगत खराब होती हुई भी नजर आएगी। हो सकता है कि संतान से भाग्य भी आ रहा है, संतान से लाभ भी प्राप्त हो रहा है, या आपकी शिक्षा से भी आपको भाग्य मिल रहा है, जो आपने शिक्षा जिस क्षेत्र में आपने शिक्षा ग्रहण करी है वहाँ पर भी आपको लाभ मिल रहा है। और 22 अप्रैल के बाद यह भी स्थिति है कि आपकी पंचमेश का जब नवम से संबंध, तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा हो जाता है यह स्थिति वहीं पर उसका, तो यह प्रभाव भी यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखो जब तक गुरु राहु रहेंगे तो थोड़ा सा आपको जो निर्णय लेना है उसमें, क्योंकि पंचमेश भी है आपका, आपके बुद्धि भाव का भी स्वामी है, तो यहाँ पर निर्णय लेते वक्त थोड़ा सलाह लेकर किसी भी व्यक्ति से, अपने आपस में घर परिवार के अंतर्गत कोई बड़े बुजुर्ग, उनसे सलाह लेकर तब कार्य करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इस बात का। वहीं पर गुरु की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो जो पहले अभी 22 अप्रैल से पहले एक दिक्कत बता रहे थे कि बंधन वगन, वो सब यहाँ पर टूटते हुए गुरु कृपा आपके ऊपर होती जाएगी, धार्मिक कार्य आप करते हुए नजर आएंगे, धर्म कर्म में विशेष रुचि बढ़ाएंगे। इस समय किया गया जो धर्म होगा वो कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं जो उस कल्चर के अंतर्गत आप रह रहे थे, उस कल्चर से थोड़ा परे होकर, उस जिस धर्म विशेष के अंतर्गत आप थे उस वहाँ से थोड़ा परे होकर एक खुद की अपनी पॉलिसी पर, खुद के अपने नियम कायदे कानून बनाकर किसी एक संस्था की स्थापना, इस तरीके का कार्य भी आपके द्वारा इस समय के अंतर्गत हो सकता है, क्योंकि ये संबंध इस प्रकार का बन हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गुरु की दृष्टि लगन पर रहेगी तो गुरु कृपा आप पर अच्छी रहेगी, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका मान सम्मान, सामाजिक तौर पे सामाजिक छवि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर रहेगी तो आपको लेखन संबंधित कार्यों से लाभ आपको मिलेगा, और छोटी छोटी यात्राएं रहेंगी उनसे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर आएगी तो ये समय संतान प्राप्ति के लिए, अब जो व्यक्ति निसंतान है संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 22 अप्रैल 2023 के बाद बहुत अच्छा समय आ रहा है कि आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा आपकी अच्छी हो सकती है, आपके संतान के साथ संबंधों में सुधार मधुरता वो भी रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर अक्टूबर तक का जो समय रहेगा 22 अप्रैल से अक्टूबर, उनकी संगत खराब होगी लेकिन फिर भी आपके साथ उनके संबंध सही रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस समय इन सब चीज़ों के लिए भी, या शेयर मार्केट वगैरह से वहाँ से भी लाभ के लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो वो भी स्थिति 22 अप्रैल 2023 के बाद स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम स्थिति को देखें तो यहाँ पर देखिए राहु के प्रभाव को जाने, तो राहु का प्रभाव नवम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं
उसके बाद राहु नवम भाव के अंतर्गत जो कि हमने बताया पिता के लिए गुरु के लिए वहाँ पे वाद विवाद कराता रहता है और थोड़ा उनकी हेल्थ को लेकर वहाँ पे परेशानी या उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वहीं राहु जब ये अष्टम के अंतर्गत आ जाएगा तो ये फिर ससुराल पक्ष के अंतर्गत आपका विवाद कराएगा, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में परेशानी बना देगा, जीवन साथी की वाणी को थोड़ा सा कड़वा कर सकता है, कुछ गलत बोलने वाला इस तरीके का प्रभाव, या वहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम उत्पन्न करता है, तो वो स्थिति आपके ससुराल पक्ष को लेकर, अपनी लाइफ पार्टनर की सेविंग्स को लेकर भी वहां पर राहु का प्रभाव आएगा, तो थोड़ा वहां पर वो नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो वो स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आएगी। वहीं पर केतु का प्रभाव भी, केतु सेकंड हाउस के अंतर्गत आ जाएंगे, तो यहां पर आपके पारिवारिक, खुद के परिवार से भी थोड़ा असंतोष की स्थिति व्यक्ति के जीवन बनती है, वो स्थिति वहां पर आती हुई नजर आएगी। और समय राहु का जब अष्टम भाव पर प्रभाव आएगा तो समय गुप्तांगों से संबंधित परेशानी भी आपको बन सकती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। अब ये समय देखिए नौकरी वगैरह वालों के लिए अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर एक तो षष्ठेश बनकर शनिदेव अपने से द्वितीय भाव में स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति नौकरी के अंतर्गत हैं उनके लिए विशेष फायदा लाभ, पद प्राप्ति होने के, पद बढ़ने के विशेष योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखिए उपाय के तौर पे ओम नमो नारायण इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, गुरु को बलवान बनाए रखना है, शिवालय जा सकते हैं, शिवजी पर जल अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि शनिदेव की देखिए सीधी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती जब लगन पर भी पड़ती है, तो यहाँ पर और वैसे भी आपका तो सिंह लगन है, शत्रु दृष्टि यहाँ पर शनिदेव की रहेगी, बेशक मूल त्रिकोण तो एक पक्ष पर यहाँ पे फायदा दिला रहे हैं आपको, आपके व्यापार के अंतर्गत, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप के साथ, पार्टनरशिप में, वहाँ पर फायदा करा रहे हैं, लेकिन लगन पर दृष्टि कहीं ना कहीं थकावट अच्छी नहीं मानी जाती, शत्रु दृष्टि रहती है, बंधन सा थोड़ा व्यक्ति महसूस करता ही है। और साथ ही राहु का जो नवम भाव पे प्रभाव चल रहा है इसको बैलेंस बनाए रखना है आपको, आपको नवाक्षरी नवारण मंत्र का आपको जाप करना है दुर्गा माता के, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडेश्वरी, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप आपको करते रहना है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, जिससे शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनिवार के दिन गरीबों को भोजन वगैरह आप कराते रहिएगा, इस तरीके का काम आपको करते रहना है। साथ ही सूर्य को अपने लगन पर, जैसे कि शनि की दृष्टि है तो सूर्य को मजबूत बनाए रखने का प्रभाव, सूर्य को मजबूत बनाए रखना है, तो सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए आप देवी के सामने भी आप ज्योत भी जला सकते हो, तो वो भी काम आप कर सकते हैं, दीप, तो ये आपको करना है। साथ ही आप यहां पर आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।